राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय चिल्ड्रन कांग्रेस में लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल मेहरेंग के अरुण कुमार, राजकीय उच्च पाठशाला व्याड की प्रिया व हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर के शिवम का मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे। मैथमेटिक्स ओलंपियाड जूनियर वर्ग में डीएबी पब्लिक स्कूल की गुबर की, स्वाति वरिष्ठ वर्ग में हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर की शिवानी व सीनियर स्काइंड्री वर्ग में सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल की सौभाग्य प्रथम स्थान पर रहे। 3 दिवसीय जिला स्तरीय चिल्ड्रन कांग्रेस के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। स्क्रिप्ट प्रतियोगिता में सीनियर स्काइंड्री वर्ग में भगवती पब्लिक स्कूल जिलाड़ी, वरिष्ठ शहरी वर्ग में हमीरपुर पब्लिक स्कूल, वरिष्ठ ग्रामीण में गीतांजलि पब्लिक स्कूल धनेटा, जूनियर शहरी में महाराजा संसार चंद सीनियर स्काइंड्री स्कूल व जूनियर वर्ग में सीसे धवीरी के टीमें प्रथम स्थान पर रही। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला स्तरीय चिल्ड्रन कांग्रेस के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिला उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा नंद लाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रिंसिपल मंजू ठाकुर, मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सुमन कपिल आदि मौजूद रहे। जिला स्तरीय बाल विकास सम्मेलन था, उसका समापन हो रहा। आदरणीय माननीय हमारे जो डॉक्टर बधाई जी हैं वो उसके समापन का पहुंचे हैं और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम था बहुत ही इसका सफल आयोजन हुआ है और हमने इस सारे कार्यक्रम में जितनी भी एक्टिविटीज भी बहुत से ऐसे बच्चों से हम मिले कि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास था इस कंपटीशंस को कम्पीट करने के बारे में। और सबसे पहले तो उन टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इनकी प्रिपरेशन करवाई, इनकी तैयारी करवाई और बच्चों को प्रेरित किया कि वो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लें। आज चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, देश की सरकार हो, विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव जो है वो कोशिश की जा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ इनके लिए रखी गई हुई हैं। इंस्पायर प्रोग्राम के तहत एक मॉडल को बनाने के लिए, उसकी सोच को डेवलप करने के लिए 10,000 रुपये का कैश प्राइज इसके लिए रखा गया है। और विज्ञान ने हमारी लाइफ को बदल दिया। आज हमें देखने में वो मिल रहा है जो जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं देखी थी। और तो छोड़िए, हमारा खाना भी साइंटिफिक है, हमारे कपड़े भी साइंटिफिक है। आज अगर चांद पे जाना चाहें तो चांद पे जा सकते हैं, मंगल ग्रह तक आप जा सकते हैं, घर बैठे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप नौकरी भी कर सकते हैं। और एक जगह बैठकर पूरे संसार के दर्शन आप कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें किस चीज से मिला? ये विज्ञान से मिला, साइंस से मिला। और आज हमारे जो बच्चे वैज्ञानिक यहां पर आए हुए हैं, कल का वैज्ञानिक युग कैसे होगा, कल का भारतवर्ष कैसे होगा, वो बच्चों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत खुशी की बात है कि यहां पर भिन्न भिन्न आईटीज का कंपटीशन हुआ। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कंपटीशन इतना हार्ड था कि किसको टॉपर करना है, किसको फर्स्ट करना है, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन फिर भी कंपटीशन है, किसी को नंबर एक तो आना है, किसी को नंबर दो भी आना है। जो आज नंबर एक पे आया मैं उनको बधाई देता हूं, और जो नंबर दो पे आए, तीन पे आए, मैं आशा करता हूं अगली बार वो नंबर 1 आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।